हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राम्या और आज मैंने फेयरवेल लुक किया है, आप लोग देख सकते हैं। सो वीडियो को लंबा खींचते हुए ना चलिए वीडियो को स्टार्टिंग देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। एंड चलिए वीडियो को स्टार्टिंग से देखते हैं। सो सबसे पहले हम लगाएंगे डाबर गुलाबरी जेल, इसके कुछ बूंदे अपने फेस पे लगाएंगे और इसके बाद हम लगाएंगे एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र। मैं ये सीटा फील का लगा रही, याद रखिए मॉइस्चराइज़र फेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो एक अच्छी ब्रांड का मॉइस्चराइज़र लगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। अब हम लगाएंगे प्राइमर, मैं ये ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ कर रही। प्राइमर भी बहुत ज़रूरी है, आपके ओपन पोर्स बंद करता है। अब हम लगाएंगे कंसीलर, मैं ये NY का कंसीलर लगा रही। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। याद रखिए कंसीलर हमेशा अपनी स्किन टोन के हिसाब से। अब हम लगाएंगे थोड़ा सा लूज़ पाउडर, ये आप कंसीलर पे ज़रूर लगाएं क्योंकि स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है कुछ टाइम के बाद, जो कि आप मेकअप करेंगे तो अच्छा लुक नहीं आएगा, तो लूज़ पाउडर ज़रूर लगाएं ध्यान से। अब हम लगाएंगे ब्राउन आई शेडो। आप हमेशा शेडो लगाते टाइम ध्यान रखिएगा आपका एक अच्छा ब्रश होना चाहिए और आपको अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए। आप जितनी भी अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे आई शेडो आपको उतना अच्छा लुक मिलेगा। और इसके बाद हम लगाएंगे ब्लैक आई शेडो, इसको हम डैब डैब करके लगाएंगे और थोड़ा हल्का ही लगाएंगे, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करेंगे। और अब हम फिर ब्राउन आई शेडो लेंगे, हम इसको हल्का सा लेंगे और लैशेस के नीचे वाले साइड पे लगाएंगे। याद रखिए आप जब भी ऊपर वाला जो कलर लगा रहे हैं आई शेडो आप थोड़ा सा लेके नीचे के साइड लगा ले, इससे काफ़ी अच्छा और बहुत ही प्यार लुक आएगा। और इसके बाद हम लगाएंगे फिटमी का ये फाउंडेशन, मैं फिटमी का लगा रही। याद रखिए आप हमेशा फाउंडेशन ले तो स्किन टोन के अकॉर्डिंग ले। अब हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट, मैं ये लैक्मे का 9 to 5 लगा रही। अब मैं फिलअप करूँगी आईब्रोज, मैं ये ब्राउन शेड यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे ब्राउन शेड ये होता है कि वो नेचुरल लुक देता है, इसलिए मैं ब्राउन करूँगी, ब्लैक नहीं करूँगी, ब्लैक बहुत ज़्यादा डार्क। और अब हम इसके बाद लगाएंगे लैक्मे का ये आईलाइनर, मैं ये थोड़ा ज़्यादा मोटा नहीं पतले में ही लगाऊंगी लैशेस के थोड़ा सा ऊपर। लाइनर लगाते समय आप इस बात का ध्यान रखिए अगर आपका गलती से लाइनर कहीं साइड में लग गया तो तुरंत ना रफ़ कर दें क्योंकि वो काफ़ी फैल जाएगा, आप सूखने का वेट करें उसके बाद करें। अब हम लगाएंगे मस्कारा, मैं ये ब्लू हेवन का मस्कारा लगा रही। हम लगाएंगे ब्लू हेवन का मस्कारा, मैं इसको काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ रोल करके लगाऊंगी। अब हम कंटूर करेंगे अपना फेस, मैं NY का ये कंटूनर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कंटूर नहीं है तो आप के आई शेडो में ब्राउन कलर होगा आई शेडो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ कंटूर। अब हम लगाएंगे मेरा फेवरेट ब्लश, मैं ये हल्का लाइट ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। और अब हम लगाएंगे हाइलाइटर, मैं ये स्विस ब्यूटी का लगा रही गोल्डन शेड। मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है क्योंकि इसको लगाने के बाद लगता है हाँ, मतलब बहुत अच्छी और ग्लोइंग स्किन दिखती है। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक, मैं ये नायका का रुक्मिणी शेड यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा फेवरेट शेड है, इसे काफ़ी अच्छा लुक आता है।
अब हम लगाएंगे मेकअप फिक्सर। मैं ये लोटस का फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं आपका मेकअप लंबे समय तक टिका रहे तो ये फिक्सर लगाना ना भूलें। फिक्सर लगाते वक्त ध्यान रखें, थोड़ा डिस्टेंस बना के फिक्सर लगाएं, वरना आपका मेकअप खराब हो सकता है। ये था मेरा फाइनल मेकअप लुक। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के में शेयर करना ना भूलें। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मेरा न्यू पोस्ट आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।